Now we are starting inclined plane about inclined plane. इससे पहले हमने अभी जो हमने बात की थी horizontal plane समतल की बात की थी कि उस पर अगर कोई वस्तु रखी है तो उस पर फ्रिक्शन का क्या इफेक्ट पड़ेगा. ठीक है, अब हम बात करते हैं कि अब अगर कोई समतल जो हो इंक्लाइंड हो तो पहला ये है, हमने पहले से थोड़ा ये इसलिए लिख दिया है कि लिखने में काफ़ी टाइम लगता है और वीडियो जो होती है थोड़ा टाइम टेकिंग हो जाती है. तो ये अब स्टार्ट करते हैं. रुचनत समतल पर पिंड का सीमान संतुलन या लिमिटिंग इक्विलिब्रियम ऑफ ए बॉडी ऑन ए रुच इंक्लाइंड प्लेन, मतलब इंक्लाइंड प्लेन की बात कर रहे हैं. ठीक है, हॉरिजॉन्टल प्लेन इससे पहले वाले लेक्चर में हम क्लियर कर चुके हैं. तो इस तरीके के जो प्लेन होते हैं इंक्लाइंड प्लेन, मान लो ये एक ये समतल हो गया, ये इंक्लाइंड प्लेन हो गया. ठीक है, इस पर एक ये वस्तु रखी है. ठीक है, ये एक वस्तु रखी है. यहाँ से अब इसका मान लो वेट है W, जो क्या होगा नीचे की तरफ लगेगा. ठीक, और ये पता होगा जो हमारे प्रतिक्रिया बल लगता है वो क्या होता है, प्लेन की लंबवत. अब ये इसमें ये एक दिखाई गई है, इस पर कोई बल इसको लगा के रोका नहीं जा रहा. जब इंक्लाइंड प्लेन होती है तो जो भी वस्तु होती है इंक्लाइंड प्लेन पे होती है तो वो क्या होती है, लिमिटिंग की कंडीशन में होती है. वही लिमिटिंग की कंडीशन की बात भी कर रहे हैं, लिमिटिंग की कंडीशन में होती है. लिमिटिंग की कंडीशन में वस्तु क्या होती है, नीचे की ओर मतलब गति करना स्टार्ट करती है, डायनेमिक कंडीशन में आना स्टार्ट करती है, गति कंडीशन में आना स्टार्ट करती है. अब हम क्या करते हैं, इसकी मान लो गति क्या हो जाएगी, नीचे की तरफ फिसलेगी तो ये हो जाएगी हमारी गति. ठीक, जब नीचे की तरफ गति होगी तो हमारा नीचे की तरफ जब गति होगी तो हमारा जो फ्रिक्शन फोर्स लगेगा वो क्या लगेगा, इसके अपोजिट. ठीक, नीचे की तरफ फिसल रहा है तो फ्रिक्शन फोर्स अपोजिट में ए बराबर म्यूआर. ठीक है, इसको आगे बढ़ा दिया. और हमारा जो नस समतल है क्षैतिज से नस समतल का झुकाव जो है वो है अल्फा, ये अल्फा है तो ये भी अल्फा हो जाएगा. ठीक, अब इसको क्या कर दो, रिजॉल्व कर दो तो ये हो जाएगा डब्लू कॉस अल्फा, दूसरा एक्स का घटक क्या हो जाएगा, W साइन अल्फा. ठीक है, बिल्कुल संतुलन की कंडीशन में आ गया. अब हम क्या करते हैं, इसमें ये होता है कि अगर कोई वस्तु रुच क्षैतिज समतल पर रखी होती है तो रुच और रुच क्षैतिज समतल पर रखी होती है तो ये इस पर प्रतिक्रिया बल जो लगता है और जो झुकाव होता है और इसका वेट, इसके कारण जो रुच क्षैतिज का झुकाव जो होता है अल्फा वो क्या होता है, घर्षण कोण लैम्डा के बराबर हो जाता है. ये जानते हो कि म्यू बराबर टेन लैम्डा होता है और इसको लैम्डा को बोलते हैं घर्षण कोण. ठीक है, तो जो ये होता है अल्फा जो होता है वो घर्षण कोण के बराबर हो जाता है. और हमने पीछे बताया भी था जब हमारा अल्फा लैम्डा के बराबर हो जाएगा तो उस वस्तु में हमारी उस कंडीशन में हमारी वस्तु क्या करती है, स्लाइड करती है. ठीक है, ये अभी इससे पहले हमने बताया था उसकी टॉपलिंग एंड स्लाइडिंग की कंडीशन, मतलब फिसलने या उलटने की कंडीशन. तो जब ये अल्फा जो होता है लैम्डा घर्षण कोण के बराबर हो जाता है उस कंडीशन में ये वस्तु फिसलेगी. ठीक है, बराबर होगा तब, फिसलती है लुढ़कती नहीं, तो ये फिसलेगी. और फिसलेगी क्या,
नीचे की तरफ फिसलना स्टार्ट होगी। ठीक है, तो जब स्टार्ट होगी तो किस कंडीशन में आती है, जब कोई स्टैटिक से डायनेमिक कंडीशन में आती है, वो हमारी होती है लिमिटिंग कंडीशन। तो लिमिटिंग कंडीशन में हम इक्विलिब्रियम की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो अब इसको प्रूव भी कर देते हैं कि हमारा जो वो झुकाव जो है नत समतल का क्षैतिज से जो झुकाव है अल्फा, वो लैम्डा के बराबर हो। कैसे? अब ये जो बल लग रहे हैं ये वर्टिकल ऊर्ध्वाधर दिशा में है, ये क्षैतिज दिशा में है। तो क्षैतिज दिशा में ऊर्ध्वाधर में कौन सा है? आर, और ये डब्लू कॉस थीटा। क्षैतिज में एफ और ये डब्लू। ठीक, ये बल लग रहे। अब हम क्या करें, ये जो बल लग रहे हैं इनको क्या कर लें हम, इक्विलिब्रियम की कंडीशन, इक्विलिब्रियम कंडीशन की बात करें तो क्या होते हैं, पहले क्षैतिज घटक को कर लो चाहे, या हॉरिजेंटल को कर लो, बराबर क्या हो जाता है, जीरो। ठीक, हॉरिजेंटल में कौन कौन से हैं, एक ये है ये, और ये राइट साइड में है एफ, तो ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। और ये क्या है, लेफ्ट साइड में है, तो ये क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। ठीक, तो ये हो जाएगा हमारा डब्लू साइन अल्फा इज इक्वल टू म्यू आर, इक्वेशन वन। दूसरा क्या हो जाएगी, वर्टिकल डायरेक्शन में डब्लू कॉस अल्फा इज इक्वल टू आर। ठीक है, ये दोनों बल एक दूसरे के अपोजिट है, इक्वेशन सेकंड। अब इक्वेशन और इक्वेशन फर्स्ट को इक्वेशन सेकंड से डिवाइड कर दो, डिवाइड करो तो क्या हो जाएगा, इसी तरीके से देख लो, डिवाइड कर रहे हैं, डब्लू डब्लू कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, टेन अल्फा बराबर आर आर कैंसिल आउट हो जाएगा म्यू, और म्यू बराबर क्या होता है, टेन लैम्डा, तो म्यू की जगह पे टेन लैम्डा डाल दो। ठीक है, अब क्या हो जाएगा, अल्फा बराबर लैम्डा, मींस जो हमारी ये कंडीशन कह रही थी वो उसने प्रूव कर दिया कि नीचे की ओर फिसलने वाली कंडीशन होती है कि हमारा अल्फा जो हो वो लैम्डा के बराबर होना चाहिए। ठीक है, समतल का क्षैतिज से झुकाव अल्फा वो लैम्डा के बराबर होना चाहिए। ठीक है, तब उस कंडीशन में हमारी बस नीचे की तरफ मतलब स्लाइड करती है। ठीक, तो ये हो गई लिमिटिंग कंडीशन। अब आगे हम बात करते हैं, आगे हम बात करते हैं तो हमारी है रुचि नत्स, अगला है हमारा इक्विलिब्रियम ऑफ ए बॉडी लेइंग ऑन ए रुच इंक्लाइंड प्लेन। ठीक है, रुच नत तल रुच न तल पर, ठीक, ये है रुच न तल पर पिंड का संतुलन, मतलब इक्विलिब्रियम ऑफ ए बॉडी लेइंग ऑन ए रुच इंक्लाइंड प्लेन। रुच इंक्लाइंड प्लेन मींस यहीं पे आ जाओ, ये रुच इंक्लाइंड प्लेन है, हो गई ये रुच इंक्लाइंड प्लेन हो गए, और इस पे ही एक वस्तु हमारी रखी हुई है। ठीक, अभी हम लिमिटिंग की बात कर रहे थे, अब हम बात कर रहे हैं कि अगर कोई इंक्लाइन पे कोई वस्तु रखी हुई उसमें क्या कंडीशन होती है। इसमें दो कंडीशनें आती हैं, पहली कंडीशन ये दिखाई गई है, कंडीशन फर्स्ट, अगर हमारा जो क्षैतिज से झुकाव कोण ये अल्फा, अल्फा जो हो वो क्या हो, छोटा हो लैम्डा से। ठीक है, मींस ये जो है क्या हो, अल्फा हमारा छोटा हो लैम्डा से, घर्षण कोण से, मींस घर्षण कोण हमारा बड़ा हो किससे, झुकाव से।
ठीक है, तो उस कंडीशन में क्या होता है, हो तो पिंड केवल अपने भार W तथा तल की प्रतिक्रिया R के कारण संतुलन अवस्था में रहता है। अगर ये कंडीशन हो रही है कि अल्फा का मान लैम्डा से कम हो रहा है, तो उस कंडीशन में इसका जो भार हो गया W और इसकी प्रतिक्रिया, इसकी भार W हो गई और इसकी प्रतिक्रिया ये R हो गई, इसके कारण खाली ये संतुलन की अवस्था में रहता है, अर्थात इसके लिए संतुलन के लिए हमें कोई बाह्य बल की आवश्यकता नहीं पड़ती। मीन्स हमें कोई बाह्य बल नहीं, अगर इस कंडीशन में है कि अल्फा का मान लैम्डा से बस क्या हो, कम हो, ठीक है, और लैम्डा का मान क्या हो, अल्फा से ज़्यादा हो, तो इस कंडीशन में क्या इसका जो वेट होगा और इसकी प्रतिक्रिया होगी, इसके कारण इस संतुलन अवस्था में रहेगा और इसको किसी भी प्रकार के बल की आवश्यकता नहीं पड़ती है संतुलन में लाने के लिए, ठीक। दूसरी कंडीशन क्या है, दूसरी कंडीशन ये कहती है कि अगर अल्फा की वैल्यू क्या हो, अल्फा की वैल्यू ज़्यादा हो लैम्डा से, मीन्स जो झुकाव है क्षैतिज से झुकाव अल्फा, इसकी वैल्यू घर्षण कोण से, ठीक है, घर्षण कोण से क्या हो, घर्षण कोण लैम्डा से ज़्यादा हो, ठीक हो, तो उस कंडीशन में क्या होगा, पिंड अपना संतुलन स्वयं नहीं, इस कंडीशन में अगर इसकी वैल्यू ज़्यादा हो गई, इसकी वैल्यू ज़्यादा किससे हो गई, घर्षण कोण से हो गई, घर्षण कोण से ज़्यादा हो गई, तब वस्तु जो होती है अपना संतुलन स्वयं नहीं बना पाती, उसको संतुलन में रखने के लिए हमें एक बाह्य बल की आवश्यकता पड़ेगी। मीन्स पहली कंडीशन में वस्तु हमारी रहती है लिमिटिंग कंडीशन में, मीन्स अवस्था स्टैटिक से डायनेमिक में परिवर्तन होने की कोशिश करती पर हो नहीं पाती, इसलिए संतुलन में रहती। दूसरे में क्या होता है, इसमें क्या होती है, ये अवस्था अपनी परिवर्तन कर देती है, स्थिर से गतित में चली जाती है, ठीक। तो इस कंडीशन में वस्तु हमारे, जब वस्तु एक अवस्था से दूसरी अवस्था में जाएगी तो संतुलित रह नहींगी, तो उस कंडीशन में हमें एक बाह्य बल, इसको संतुलित करने के लिए किसी बाह्य बल की जरूरत होती है, ठीक है, किसी बाह्य बल की जरूरत होती है, और इस बाह्य बल को विभिन्न विधियों द्वारा हम क्या कर सकते हैं, विभिन्न विधियों से इसका कैलकुलेशन कर सकते हैं। जैसे इसकी जो विधियां हैं, पहला है एक रुक्ष नत समतल पर रखी वस्तु की साम्य अवस्था, कोई रुक्ष समतल है इसी तरीके से, उस पे कोई किसी वस्तु को हम रख दें, रखने पे वस्तु की साम्य अवस्था की कैसे होगी, अब उसका कैलकुलेशन करना है, उसमें कई कंडीशन हैं, इक्विलिब्रियम ऑफ ए बॉडी आने रूच इंक्लाइन प्लेन, ठीक है। अब इसमें पहली कंडीशन आती है, पहली कंडीशन ये है जब आवश्यक न्यूनतम बल पी न समतल के अनुदिश हो, मतलब जो आवश्यक बल है, आवश्यक न्यूनतम बल मतलब वो बल जो किसी वस्तु को संतुलन में बस ला दे, ठीक है, संतुलन न्यूनतम बल पी न समतल के अनुदिश हो, ये न समतल है इसके क्या हो, अनुदिश हो, ठीक, इसके अनुदिश मीन्स पैरेलल, हाँ इसके समांतर हो दोनों, अगर कोई बल लगे तो इसके समांतर लगे, ठीक। अब इसमें इसमें भी पहली कंडीशन हम लेके आ रहे हैं, पहली कंडीशन ये है, पहली कंडीशन ये साम्य अवस्था बनाए रखने के लिए न्यूनतम बल P1 ज्ञात करना जब वस्तु नीचे को फिसलने ही वाली हो। अब पहला है जो हमें साम्य अवस्था बनाने के लिए जो न्यूनतम बल हम कैलकुलेट कर रहे हैं उसको ज्ञात करना है, ठीक है, ज्ञात करना जब वस्तु नीचे को फिसलने वाली हो, मीन्स वस्तु पे कोई बल नहीं लगा, नीचे की ओर फिसलने वाली हो, नीचे की ओर फिसलने वाली हो मतलब नीचे की ओर फिसल रही, उसको हम बल लगा के रोक दें फिसलने से, ठीक है। जैसे ठीक इंक्लाइंड प्लेन हो गए, अल्फा हो गया, ये क्या है, कोई वस्तु रखी है इंक्लाइंड प्लेन पे, W भार,
आर प्रतिक्रिया, ठीक है। अब कंडीशन क्या दिखाई गई है कि ये वस्तु क्या हो रही है, नीचे की ओर फिसलने वाली ही हो, नीचे की ओर मतलब फिसलने वाली हो, फिसलने वाली है तो इसको रोका जाएगा, तो रोका जाएगा मतलब ये वस्तु नीचे की ओर फिसल रही है हल्की हल्की, तो हमको क्या है इसको खींच के आगे नहीं करना है, बस रोकना है, तो रोकने के लिए हमने ये बल पी वन लगा दिया, ठीक है। ये मान लो आर वन हो गया, पी वन बल लगा दिया, पी वन बल लगा दिया रोकने के लिए। अब ये क्या हो गई, नीचे की तरफ फिसल नहीं रही, फिसल नहीं रही है, पर इस पे फ्रैक्शन क्या होगा, नीचे की तरफ फ्रैक्शन, ये इसका गति क्या थी इसकी, नीचे की तरफ फिसल रही थी, ये मोशन की कंडीशन थी, ये थी नीचे की तरफ फिसल रही थी, पर हमने पी बल लगा के इसको फिसलने से रोक लिया, तो इसकी इसका फ्रैक्शन क्या होगा, इसके जस्ट अपोजिट मोशन के, ठीक है, ये लगेगा। और ये क्या हो जाएगा हमारा, एफ वन बराबर म्यू आर वन, ठीक है। इसको आगे बढ़ा लिया जैसे पहले किया था, ये अल्फा है तो ये भी अल्फा हो जाता है, ठीक। अब ये डब्लू को रिजॉल्व कर लो, तो एक इसका घटक क्या हो जाएगा, डब्लू कॉस अल्फा, दूसरा क्या हो जाएगा, दूसरा ये घटक हो जाएगा डब्लू साइन अल्फा, ठीक है, ये हो गए। अब क्या करते हैं, इसको साम्य अवस्था में लाने के लिए जो हम जो मूमेंट वाला चैप्टर पढ़े थे उसमें कि जो क्षेत्र संतुलन की अवस्था तब होती है जब हॉरिजेंटल में जितने बल लगे हों उनका अलजेब्रिक सम करें वो जीरो हो, हॉरिजेंटल में जितने लगे हों वो उनका सम करें अलजेब्रिक सम करें वो जीरो हो, मूमेंट जितने लगें उनका अलजेब्रिक सम करें वो जीरो होना चाहिए, तभी वस्तु साम्य अवस्था में होती है, ये नियम कहा गया है। पर यहाँ हॉरिजेंटल और वर्टिकल एक्सिस की बात हो रही तो उनका अलजेब्रिक सम करके जीरो दिखाना है, जीरो होना चाहिए, ठीक है, ठीक, ये लॉ कहता है। जैसे ये हॉरिजेंटल में जितना उनका अलजेब्रिक सम करें इज इक्वल टू जीरो, ये लॉ कहता है हमारा जो मूमेंट वाला चैप्टर था संतुलन में ना लाने के लिए किसी, तो हॉरिजेंटल में कौन सा बल लग रहा है, एक ये लग रहा है, एक ये लग रहा है, एक हमारा ये लग रहा है, ठीक है। ये एफ वन बराबर म्यू आर वन, ठीक है, ये तीन बल लग रहे हैं। पी वन और इसकी दिशा क्या है, राइट साइड में है, तो दोनों क्या हो जाएंगे, पॉजिटिव हो जाएंगे, पी वन प्लस म्यू एफ वन, मतलब एफ वन बराबर क्या है, म्यू आर वन, और ये जो है डब्लू ये क्या है, लेफ्ट साइड में है, लेफ्ट साइड में है, तो ये क्या हो जाएगा, निगेटिव माइनस डब्लू साइन अल्फा इक्वल टू जीरो, पी बराबर क्या हो, पी वन बराबर क्या हो जाएगा, ये पॉजिटिव हो जाएगा बराबर के उधर ले जाए, साइन अल्फा माइनस म्यू आर वन, इक्वेशन वन, ठीक। दूसरा संतुलन का नियम क्या कहता है, वर्टिकल एक्सिस पे जितने बार उनका समेशन करें वो जीरो होना चाहिए, तो वर्टिकल पे एक ये लग रहा है और दूसरा कौन सा लग रहा है, दूसरा ये लग रहा है, बस दो बल लग रहे हैं, तो ये क्या है अपवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है तो पॉजिटिव होगा, ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है तो नेगेटिव हो जाएगा, आर वन माइनस डब्लू कॉस अल्फा इक्वल टू जीरो, तो आर वन बराबर क्या हो जाएगा, डब्लू कॉस अल्फा, इक्वेशन सेकेंड। अब हम क्या करें, आर वन की वैल्यू जो हो को इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर दें, ठीक है, पुट कर दें तो क्या हो जाएगा, पी वन इज इक्वल टू
डब्लू साइन अल्फा माइनस म्यू आर वन की जगह डाल दो डब्लू कॉस अल्फा। ये हम जानते हैं म्यू बराबर क्या होता है, टैन लैम्डा। तो जहाँ पे म्यू है वहाँ पे हम क्या पुट कर देंगे, टैन लैम्डा। तो पी वन डब्लू साइन अल्फा माइनस डब्लू टैन लैम्डा कॉस अल्फा। ठीक, अब इसी को थोड़ा रिजॉल्व करें। डब्लू साइन अल्फा माइनस डब्लू, इसको क्या लिख सकते हैं, साइन लैम्डा अपॉन कॉस लैम्डा इंटू कॉस लैम्डा। ठीक, ये हो गया। अब अगर हम ये है कॉस लैम्डा, कॉस अल्फा है। ये अल्फा है और ये भी हमारा अल्फा ही है। ठीक, कॉस अल्फा। अब क्या करें, इसमें से डब्लू कॉमन मिल जाएगा, एलसीएम ले लें। कॉस लैम्डा एलसीएम मिल गया तो क्या हो जाएगा, साइन अल्फा इंटू कॉस लैम्डा माइनस साइन लैम्डा कॉस अल्फा। ठीक, ये हो जाएगा। तो ये पी वन बराबर क्या हो जाएगा, ये होता है साइन अल्फा इंटू कॉस लैम्डा माइनस साइन लैम्डा कॉस अल्फा। तो ये हो जाएगा हमारा साइन साइन सी माइनस डी का फॉर्मूला। तो साइन सी माइनस डी का फॉर्मूला होगा, तो यहाँ पे क्या है, अल्फा और लैम्डा है, तो साइन अल्फा माइनस लैम्डा। अपॉन कॉस लैम्डा। ठीक है, तो ये हमारी कंडीशन प्रूव हो गई, ये हमारी कंडीशन हो गई। साम्यावस्था बनाए के लिए वह न्यूनतम बल ज्ञात करना जब वस्तु नीचे की ओर फिसलने ही वाली हो। मतलब ये देखो, फिसलने ही वाली है वस्तु, ठीक है, नीचे की ओर फिसलने वाली है, और इसको हम पी वन बल लगा के बस रोक रहे हैं। तो पी वन बल, पी वन बराबर क्या निकल गया, डब्लू साइन अल्फा माइनस लैम्डा अपॉन कॉस लैम्डा। ठीक है, दूसरी कंडीशन क्या है, दूसरी कंडीशन है जब वस्तु ऊपर की ओर चलने ही वाली होती है। ठीक है, वस्तु क्या हो, ऊपर की ओर चलने ही वाली हो। इसको साफ करें दे रहे, ठीक है, आगे स्टार्ट करते हैं। पी वन न्यूनतम साम्यावस्था बनाए रखने के लिए, सेकंड पॉइंट, बनाए रखने के लिए पी वन ज्ञात करना जब वस्तु ऊपर की ओर, ऊपर की ओर चलने ही वाली हो। अब ये कंडीशन दिखाई है, उसको तो नीचे फिसलने से रोकना था, इतना बल लगाना था। इसमें क्या है कि इसमें क्या हो, जब वस्तु ऊपर की ओर चलने ही वाली हो, इतना बल लगाएं कि ऊपर की तरफ चलने लगे।
ठीक, अल्फा डब्लू आर, ठीक। अब कितना बल हम लगा रहे हैं, ये बल जो लगा रहे हैं ये हमारा हो जाएगा पी टू, पी टू बल, ये मान लो आर टू हो जाएगा, पी टू बल ये जो पी टू बल जो लगा रहे हैं वो क्या है, इस वस्तु को गति प्रदान कर रहा है ना कि इसको रोके रह रहा है। पी टू इसको क्या ऊपर की ओर चलाने ही वाली हो, ठीक है, वस्तु को ऊपर की ओर चलाने ही वाली हो, मतलब इतना बल लगाएं कि ऊपर जो हमारी ये इससे पहले बताए थे वो समझो लिमिटिंग कंडीशन थी कि वस्तु को बल रोका गया था। इसमें क्या है, इतना बल लगाना है कि वस्तु स्टैटिक कंडीशन से लिमिटिंग में जाएगी, लिमिटिंग से डायनेमिक कंडीशन में चली जाए, ठीक है। ठीक है, बराबर एक लाइन को आगे बढ़ा दिया, ये अल्फा है ये भी अल्फा हो जाएगा, ठीक। अब जब वस्तु ऊपर की ओर गति कर रही है तो फ्रिक्शन कहाँ होगा, जिस डायरेक्शन में गति होती उसके जस्ट अपोजिट नीचे की तरफ, एफ टू बराबर म्यू आर टू, ठीक है। अब इस डब्लू को रिजॉल्व कर दो, एक हो जाएगा डब्लू कॉस अल्फा, दूसरा क्या हो जाएगा ये डब्लू साइन अल्फा, ठीक है। अब ये कंडीशन इसको संतुलन की कंडीशन पूरी बना दी हमने, अब क्या करते हैं इसमें भी हॉरिजेंटल, हॉरिजेंटल में जितने भी बल लग रहे हैं, अप डाउन राइट लेफ्ट पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव, अब देखो हॉरिजेंटल में, हॉरिजेंटल में एक ये बल लग रहा है ठीक पी टू, दूसरा एफ टू, ये राइट साइड में लग रहा है एफ टू और एफ टू और डब्लू साइन अल्फा, ये दोनों ये राइट में लग रहा था, ये दोनों लेफ्ट में लग रहे हैं, तो राइट वाला पॉजिटिव हो जाएगा, ये दोनों नेगेटिव हो जाएंगे, या इसको क्या कर सकते हैं बराबर के माइनस में है बराबर के उधर कर दें डायरेक्टली, मीन्स पी टू बराबर क्या हो जाएगा डब्लू साइन अल्फा प्लस म्यू आर टू, इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। दूसरी इक्वेशन क्या बन जाएगी, वर्टिकल एक्सेस, ठीक है, वर्टिकल एक्सेस का, तो वर्टिकल एक्सेस का क्या बन जाएगा, वर्टिकल एक्सेस में देखो कौन सा बल लग रहा है, एक ये बल लग रहा है दूसरा ये बल लग रहा है, तो अप वाला पॉजिटिव हो जाएगा मतलब आर टू, और डब्लू कॉस थीटा निगेटिव हो जाएगा, निगेटिव बराबर के उधर कर सकते हैं, आर टू बराबर डब्लू कॉस अल्फा, इक्वेशन सेकंड, जैसा अभी हमने किया था पहली कंडीशन उसी सेकंड कंडीशन में भी यही करते हैं कि जो आर टू की वैल्यू है, आर टू की जो वैल्यू है वो क्या करें इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर दें, आर टू की वैल्यू, ठीक। अब क्या हो जाएगा, पी टू इज इक्वल टू डब्लू साइन अल्फा प्लस म्यू आर टू की जगह क्या पुट कर सकते हैं डब्लू कॉस अल्फा, ठीक है। अब हम जानते हैं तो हम कहाँ पे थे, ये हो गया था आर टू की वैल्यू हमने पुट कर दिया था, तो आर टू की वैल्यू ये हो गई थी, यहाँ पुट कर दिया। अब हम जानते हैं म्यू बराबर हमारा क्या होता है,
टेन लैम्डा, ठीक है, इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, साइन लैम्डा अपॉन कॉस लैम्डा। अब इसमें देखो पी टू बराबर, इसमें कॉमन क्या मिल जाएगा, डब्लू कॉमन मिल रहा है, साइन अल्फा प्लस म्यू की जगह क्या पुट कर दें, डब्लू कॉमन ले लिया, इसकी जगह क्या पुट कर सकते हैं, साइन लैम्डा अपॉन कॉस लैम्डा कॉस अल्फा, ठीक। अब क्या करें, डब्लू इसमें एलसीएम ले लें कॉस लैम्डा का, ठीक, तो साइन अल्फा कॉस लैम्डा प्लस साइन लैम्डा कॉस अल्फा, ठीक। अब ये क्या हो जाएगा, पी टू बराबर साइन अल्फा कॉस लैम्डा प्लस साइन लैम्डा कॉस अल्फा, तो ये हो जाता है साइन सी प्लस डी का फॉर्मूला, साइन सी प्लस डी मीन्स यहाँ अल्फा और लैम्डा है, अल्फा प्लस लैम्डा अपॉन कॉस लैम्डा, ठीक। तो ये हमारा हो जाएगा पी टू की वैल्यू आ गई, ठीक। तो ये पी टू की वैल्यू जो है, इतना बल हमें लगाना पड़ेगा डब्लू साइन अल्फा प्लस लैम्डा अपॉन साइन लैम्डा, इतना बल लगाना ही पड़ेगा तब हमारी ये वस्तु क्या होगी, ऊपर की ओर चलने ही वाली हो, मतलब चलने लगेगी ऊपर की तरफ, ठीक, चलने लगेगी पी टू, इतना बल लगाना ही पड़ेगा, ठीक है। तो ये हो गई हमारी जो ये पहली पहली कंडीशन थी जब आवश्यक पी न समतल के अनुदिश लगे, इसकी दो कंडीशनें थी, पहली बताया, अब ये दूसरी हो गई, ठीक।